नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं सचिन का किचन और आज बनने वाली है सुल्तानी दाल या लखनवी दाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और टेस्ट में भी उतनी ही लाजवाब है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए तुअर दाल और इस दाल को हमें पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, धुल लेना है और उसके बाद इसे हम सोक करेंगे। तो जिस तरीके से दाल को दो बार तीन बार आप अपने घर में धोते हैं उसी तरीके से इस तरीके से आप धुल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या कम से कम 15 मिनट के लिए तो छोड़ ही दीजिए, जिससे कि दाल को पकने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने ले लिया है दही और दही हम लेंगे 150 ग्राम और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो 4 बड़े चम्मच क्रीम को भी हमें ऐड कर देना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना है और फेंट लेने के बाद इसे हम रख लेंगे, जिससे कि क्या होगा जब इसे हम दाल में डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे, बिल्कुल दाल के साथ घुल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ले ली एक हांडी और इसमें हम डालेंगे भीगे हुए दाल को और गैस की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूध गर्म हो रहा है। इस रेसिपी में दूध भी पड़ेगी तो यहाँ पे अब हमें इसमें पानी डालना है और पानी अच्छी क्वांटिटी में डालना है। 2 से 3 इंच ऊपर तक पानी डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स कर देने के बाद आपको इसे ढक देना है। उबाल आने के बाद गैस मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे इलायची और लौंग, दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और दोनों को ही बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और पीस लेने के बाद ऐसा पाउडर आपको मिलेगा, इसे हम डालेंगे दाल में। तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दाल को बीच बीच में चलाते रहिएगा, इस बात को आप ध्यान रखें वरना ये तली में लग सकती है। मेरी दाल अच्छी तरीके से गल गई है, अब हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे। तो यहाँ पे एक पोटैटो मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ से हल्का सा मसल सकते हैं जिससे कि दाल के बड़े बड़े दाने ना दिखें। अब यहाँ पर गैस की दूसरी साइड में हम एक कोयला लेंगे और इसे अच्छे से जला लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें लेना है पान का पत्ता। आप चाहें तो कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि दाल के अंदर ना जाए और इसके ऊपर ही हम कोयले को रखेंगे। तो ढक्कन को हटाते हैं, पान के पत्ते को दाल के ऊपर हम रखेंगे और इसके बाद ये जलता हुआ जो कोयला है इसे हम निकाल के पान के पत्ते के ऊपर रख लेंगे। तो इस कोयले के ऊपर हम रख देंगे घी को, जिससे कि बढ़िया सा स्मोक बनेगा, धुआं बनेगा और इस दाल को बढ़िया टेस्ट देगा। तो ढक्कन को तुरंत कर देते हैं बंद और इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। याद रखिए गैस को मैंने कर दिया था बंद और यहाँ पे हमने इसमें अच्छी तरीके से धुएं को भर दिया है। मुगलई कुजीन में ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिससे कि बढ़िया स्मोक आता है। तो ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मुगलई रेसिपीज़ जो पहले की रेसिपीज़ थीं वो कोयले की आंच पे या लकड़ी की आंच पे बनाई जाती थी, जिससे कि बढ़िया सा सौंधी सौंधी खुशबू आती थी। अब इसके बाद गैस को हम धीमी आंच पे जला लेंगे और उसके बाद जो दही और क्रीम को हमने साथ में फेंट के रखा था इसे हम डाल देंगे और डालने के बाद लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। और घी और दही डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम हमेशा ही धीमा रखना है जब तक कि रेसिपी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे इलायची और लौंग का पाउडर जो हमने बना के रखा है। इसे डालने के बाद एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो दाल है अभी और भी थिक होगी, ठंडी होने के बाद ये तो बिल्कुल जम सी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास केसर और साथ में है गर्म दूध। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा केसर लेके इसमें डाल देना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें आपको दूध डालना है, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए दाल की उस हिसाब से आप दूध ऐड करेंगे, इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है। अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें छौंक लगाएंगे यानी बघार बनाएंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं घी को और घी डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें एक छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। तो डाल देते हैं इसमें जीरा, जीरे अच्छे से चिटक जाए। उसके बाद पतला कटा हुआ लहसुन डाल देंगे,
लहसुन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च को, आपको जैसा तीखा पसंद हो उतनी आप डाल सकते हैं, मैंने 3 डाला है। अब इसके बाद इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि ये दाल जो है वो थोड़ी सी चटपटी हल्की सी स्पाइसी होनी चाहिए। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद तुरंत मिक्स कीजिए और तुरंत ही दाल में डाल दीजिए, वरना लाल मिर्च पाउडर जल जाती है। तो इसे हम तुरंत ही दाल में डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मैं बघार को बचा लूँगा लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसे हम ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बघार बचा लिया है। अब इसके बाद ये जो दाल है हमारी बनके तैयार है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इसे प्लेट कर लेते हैं। तो बहुत ही पुरानी रेसिपी है, अवधी रेसिपी है, इसका स्वाद आपको बिल्कुल सुल्तानों वाला लगेगा, बिल्कुल राजशाही लगेगा, क्योंकि इसमें क्रीम पड़ा है, इसमें घी पड़ी हुई है, दही पड़ा है, केसर पड़ा है। और इसे सजाने के लिए यहाँ पे हमने हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा बघार का तेल जो होता है उसे हम डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा हम डाल देंगे केसर और ये हमारी सुल्तानी यानी कि लखनवी दाल बनके तैयार है। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए सचिन का किचन और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।